गाइस आज बात करने वाले हैं एक सेंसर ऑर्गन की, यानी कि बॉडी के अंदर जो सेंसर ऑर्गन होते हैं उन्हीं में से ही एक सेंसर ऑर्गन की बात करने वाले हैं जिसको आईबॉल बोला जाता है, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से कवर करने की। सो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं वकील फार्मा पॉइंट। जो आंख होती है देखने में बहुत छोटी होती है, मगर इसका जो योगदान होता है लाइफ में वो बहुत बड़ा होता है। वो इसलिए क्योंकि आपके लाइफ के हर एक मोमेंट को मेमोराइज करने के लिए, फील करने के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। और इसको डिवाइडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके आपको दो डॉक्टर मिलते हैं। जैसे जो एंटीरियर सेगमेंट होता है उसका आपको अलग मिलता है, जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है उसका आपको अलग मिलता है। और इसके डिवाइडिंग की अगर मैं बात करूं तो जो आंख होती है वो अंदर से कैसी दिखती है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी की अगर आंख देखते हैं तो हमें एक काली पुतली और कुछ व्हाइट पार्ट दिखता है। जैसे जो काली पुतली होती है तो वो एक कलरलेस होती है, कलर जो दिखता है तो वो किसी और वजह से दिखता है। जैसे जो काली पुतली होती है तो वो, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं, जो 5 लेयर से बनी हुई होती है और ये एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, और ये एक मात्र ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसके अंदर ब्लड वेसल नहीं होती, यानी कि खून की नस नहीं होती है। और अगर इसके अंदर इंजरी अगर होती है तो इसमें ब्लड नहीं निकलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रेच या फिर व्हाइट मल, यानी कि व्हाइट हिस्सा या व्हाइट सफेदी आ जाती है इस तरीके से, स्पॉटेड टाइप का। और इसके बाद जो आता है तो वो आयरिस होती है, आयरिस की वजह से ही हमें जो आँख का कलर दिखता है तो वो आयरिस की वजह से ही दिखता है। जैसे अगर किसी की आयरिस का कलर ब्लैक है तो हमें ब्लैक दिखेगा, और अगर हमें किसी की आयरिस का कलर ब्राउन है तो हमें ब्राउन कलर की दिखेगी, और अगर किसी की आयरिस का कलर हेजल है तो वो हमें हेजल टाइप का, जिसको ब्लू भी बोलते हैं। और इसके बाद ज्यादातर आपने देखा होगा पुतली में एक ब्लैक स्पॉट दिखता है, जिसको यानी कि आँख किसी की कैसी भी किसी भी कलर की हो मगर उसमें जो ब्लैक स्पॉट होता है सेंटर में वो ब्लैक कलर का ही दिखता है। वो इसलिए क्योंकि जो विजुअल फील्ड होती है वो यही सी होती है, और एक तरीके से इसको विजुअल फील्ड भी बोलते हैं। जैसे अगर किसी के, जैसे ऊपर की पलक है ये नीचे की, और ये आँख में काली पुतली और ये तिल है, और अगर किसी के इंजरी अगर होती है, जैसे पूरी तरह से अगर आंख में जो पुतली होती है पूरी तरह से सफ़ेद हो जाए, बस तिल पे अगर एक तिल पे अगर कहीं पे भी स्पॉटेड अगर नहीं होता है तो आपकी विजन पे 1% भी लॉस नहीं आएगा। और अगर आपके जैसे अगर एक जैसे ये तिल है और तिल में अगर आपके एक स्पॉटेड टाइप का भी अगर आ गया तो आपकी कम से कम 30% जो विजन होती है वो माइनस हो जाती है एक तरीके से। नेक्स्ट की अगर बात करें तो उसके बाद आता है लेंस। लेंस जो होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है दोनों आयरिस के जस्ट पीछे, पीछे की साइड में, और यहीं से ही जैसे अगर किसी के कैटरेक्ट वगैरह होता है, जैसे जो मोतियाबिंद वगैरह होता है तो वो यहीं से ही होता है, यानी कि जो लेंस होता है इस पर स्पॉटेड हो जाते हैं, यानी कि धब्बे हो जाते हैं, उसी को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। और इसका जो ऑपरेशन अगर होता है तो वो यहीं से होता है, ऊपर की साइड से, यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है और दूसरा लेंस डाल दिया जाता है। और बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मुश्किल से 1-2% में देखा जाता है ज़्यादातर, जैसे पीसीओ पोस्ट कैटरेक्ट के बाद ओपेसिटी आ जाती है, यानी कि झिल्ली आ जाती है, तो वो बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि सभी को होता है, बहुत रेयर होता है। उसके बाद अंदर से जो आँख होती है वो पूरी तरह से खाली होती है, ब्लू कलर का एक जेली लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको विट्रस बोला जाता है। और इस विट्रस में अगर कोई भी जैसे वीकनेस की वजह से या इंजरी की वजह से अगर इसमें बबल्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो कभी कभी आपने देखा भी होगा या कुछ को महसूस भी अगर होता है इस तरीके से, जैसे कभी कभी आँख के आगे मक्खी मच्छर से या कुछ ब्लैक स्पॉटेड उड़ता हुआ नजर आता है, तो वो इसी वजह से ही होता है, जो अंदर विट्रस भरा हुआ होता है तो इसके अंदर बबल्स वगैरह आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये उड़ते हुए नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो लेयर होती है अंदर की, तो ये मेन लेयर होती है इसकी, जिसको रेटिना बोला जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी, जो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी रेटिना पर बनती है, और उस रेटिना पर जिस तरह की इमेज बनती है उसका अपोजिट हमें दिखता है। अपोजिट की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं तो रेटिना पर हमारे वो उल्टी नज़र आती है। जैसे अब जैसे ये मार्कर है और इस मार्कर की जो इमेज है तो वो पर्दे पर इस तरह से बनती है, और इसका अपोजिट हमें इस तरह से दिखता है, यानी कि जो जिस जो इमेज हमारी रेटिना पर बनी और रेटिना का जो अपोजिट है वो हमें दिखता है। इसी तरह से जैसे हमें ये दिखता है, या फिर जो भी जैसे इसके अंदर कोई बबल्स अगर उड़ता हुआ नजर आता है,
और वो उड़ता हुआ अगर हमारी रेटिना के सामने अगर आता है देखते हुए, तो वो हमें स्पॉटेड टाइप का या उड़ता हुआ नजर इसीलिए आता है। और रेटिना का जो महत्व इसलिए होता है, अगर रेटिना पे स्वेलिंग या फिर इंजरी अगर हो जाती है तो देखने में असुविधा भी हो जाती है, क्योंकि अगर आपका सारा हिस्सा अगर क्लियर है और अगर आपके पर्दे में या फिर मतलब जो रेटिना होती है इसमें अगर आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको साफ दिखाई देगी, यानी कि देखने में आपको असुविधा ही होती है। और इसकी कवरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो लेयर हमें जो दिखती है, जो व्हाइट पार्ट हमें दिखता है, तो वो स्क्लेरा की वजह से होता है, यानी कि जो व्हाइट पार्ट होता है तो वो स्क्लेरा होता है। उसके नेक्स्ट के लेयर की बात करूँ तो वो कैरोइड, और जो थर्ड होता है जो अंदर की तरफ, वो रेटिना। और इन तीनों में लेयर की अगर मैं कंपेयर की बात करूँ तो तीनों में जो कैरोइड लेयर होती है वो थोड़ी थिकनेस होती है, यानी कि थोड़ी मोटी होती है स्किन से। और इसके बाद ज़्यादातर आपने देखा भी होगा जैसे कुछ आँख में गिर जाता है या फिर हवा की वजह से आँखें कभी कभी लाल हो जाती है, तो वो जो है इसकी वजह से नहीं, यानी कि कैरोइड की वजह से नहीं, क्योंकि इस पे एक लेयर चढ़ी हुई होती है, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं, जो इसके जो स्क्लेरा होता है इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और इसी में ही जो जैसे लाल या फिर कुछ हवा की वजह से या फिर कुछ गिर जाने की वजह से जो लाल वगैरह दिखती हैं वो आँखें, तो वो हमारे कंजक्टिवा की वजह से दिखती हैं। हालांकि कभी कभी किसी केसेस में देखा जाता है स्क्लेराइटिस भी हो जाती है, मगर वो रेयर होती है और वो बहुत डीप होती है। वो इसलिए दिखती है क्योंकि जो कंजक्टिवा होता है उसको उसके अंदर अंदर बैक्टीरिया होता है, उसके बाद वो दिखता है, यानी कि जो एक लेयर चढ़ी हुई होती है फिर उसके अंदर अंदर की तरफ इन्फेक्शन होगा तब वो हमें चीज़ दिखती है, यानी कि जो स्क्लेराइटिस होती है तो तब वो हमें दिखती है। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है, और इसी के कॉम्प्लिकेटेड की बात करता हूँ। जैसे जो हेडेक होता है, यानी कि जो सरदर्द होता है, ये एक कॉमन है। सरदर्द होना या फिर लंबे समय तक होना, दोनों में डिफरेंस होता है, और दोनों में डिफरेंस होने की वजह से कभी कभी दवाई लेकर खाना या फिर कभी कभी दवाई से भी आराम नहीं होता है, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। और अगर आपकी आई साइड अगर वीक है तो वीक होने की वजह से ही आपको हेडेक होना कंपलसरी है। हो सकता है शायद अगर आपको किसी भी अगर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार आप जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो आँख के डॉक्टर होते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको 99.9% आपको ज़रूर आराम मिलेगा अगर आपकी आई साइड अगर वीक है तो। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आँख का जो कनेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ब्रेन से होता है, वो इसलिए। और इसके अब इसमें एक पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जो आँख में भेंगापन होता है, जो स्क्रीन जो होता है, तो वो किस वजह से होता है, आखिर होता क्यों है या फिर किस वजह से हो सकता है। जैसे जो आँख होती है तो ये एक छह धागों से बंधी हुई होती है, चारों तरफ से छह धागों से बंधी हुई होती है, जिसकी वजह से अगर एक भी धागा ब्रेक होता है तो आँख दूसरी साइड को घूम जाती है, जिसको स्क्रीन बोला जाता है, यानी कि आम भाषा में मतलब यानी कि जो भेंगापन होता है उसको भेंगापन बोलते हैं। और ये भेंगापन कभी कभी जन्म से भी हो जाता है, और ज़्यादातर जो देखे जाते हैं केसेस वो चोट यानी कि जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इंजर्ड वगैरह अगर हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर है आई रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।